हाय, मेरा नाम डॉक्टर चैतन्य खोना है और आज मैं टीथ वाइटनिंग के बारे में बात करने वाली हूँ। तो टीथ वाइटनिंग ये दो तरीके से हो सकता है, एक होता है टेम्पररी टीथ वाइटनिंग और एक होता है परमानेंट टीथ वाइटनिंग। पहले मैं टेम्पररी टीथ वाइटनिंग के बारे में बात करूँगी। टेम्पररी टीथ वाइटनिंग का क्या मतलब होता है कि जब आप पहली बार डॉक्टर के पास आते हैं और आप बोलते हैं कि आपको टीथ वाइटनिंग करवाना है, तो ये 1-1.5 आवर का प्रोसीजर होता है और इसमें एक टाइप का जेल आपके दांतों पे लगाया जाता है। ये जेल के दांतों के साथ रिएक्शन के बाद ही आपके जो दांत है वो 3-4 शेड्स वाइटर हो जाते हैं। लेकिन ये जो टीथ वाइटनिंग है वो एटलीस्ट 6-8 मंथ्स रहता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स का कंजम्पशन कितना है। अगर ज़्यादा कंजम्पशन है तो फिर ये 3-4 मंथ्स आपका टीथ वाइटनिंग का इफेक्ट रह सकता है। इसमें एग्जैक्टली ये प्रोसीजर कैसे किया जाता है उसका वीडियो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। पहले तो आपके जो दांत हैं उनको पूरी तरह से क्लीन कर देते हैं। क्लीन करने के बाद इसके ऊपर एक कोटिंग लगाया जाता है जो जेल होता है, और फिर 1 घंटे तक ये जेल आपके दांतों के साथ रिएक्ट करता है और फिर आपके दांत वाइटर हो जाते हैं। इसमें कोई भी हानिकारक केमिकल या ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं किया जाता है। इट इज़ जस्ट अ रूटीन प्रोसीजर जो डेली बेसिस पे हम लोग करते हैं। अगर किसी को वाइटर टीथ चाहिए, जैसे किसी का कोई फंक्शन हो, इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो और दांत थोड़े पीले पड़ गए हो और उनको ऐसे चाहिए कि नहीं थोड़ा ब्राइटर स्माइल, बेटर स्माइल चाहिए, तो वो ये वाला टीथ वाइटनिंग का प्रोसीजर करवा सकते हैं। जो सेकेंड टाइप का टीथ वाइटनिंग होता है वो होता है परमानेंट टीथ वाइटनिंग। अब इसमें जो एग्जैक्ट प्रोसीजर है उसमें आपके दांतों को थोड़ा सा रफन किया जाता है, थोड़ा सा शेप दिया जाता है और इस प्रोसीजर को हम वीनियर से करते हैं। वीनियर्स यानी कि आपके जो ओरिजिनल दांत है उन्हीं दांतों पे थोड़ा सा शेप देके उसके ऊपर एक कोट बिठाया जाता है, कोटिंग सिरम, एक कोटिंग बिठाई जाती है, जिससे अगर आपके दांत पीले हों या दांतों में आपको दांतों का साइज नहीं पसंद, आपको दांतों का शेप नहीं पसंद और कलर भी नहीं पसंद, तो ये सारी चीज़ें आपकी करेक्ट की जा सकती हैं। ये एंटायर प्रोसीजर जो है आपका एक हफ्ते के अंदर कंप्लीट हो सकता है। अगर आप 6-8 दांतों पे काम करवाते हैं तो एटलीस्ट आप जितना वाइटर टीथ चाहिए उतना आप रख सकते हैं। और इसमें इसको परमानेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एटलीस्ट 10-12 ईयर्स इसका जो कलर है वो चेंज नहीं होता, जो शेड आपने सिलेक्ट किया है वही रहता है एंड अप टू 10-12 ईयर्स इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता, उसको परमानेंट टीथ वाइटनिंग बोलते हैं। तो टेम्पररी वाला सोल्यूशन जो आपका है वो 1 आवर में हो जाता है, उसका आपका इफेक्ट 6-8 मंथ्स रहता है और अप्रॉक्सीमेट उसका कॉस्ट जो है आपको 8,000-10,000 डिपेंडिंग आप कहाँ पे कौन सी क्लिनिक में करवा रहे हैं, ऑल्सो आपको कितना वाइट चाहिए उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। दूसरा जो प्रोसीजर है जिसको हम वीनियर से करते हैं वो आपका कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 8-10-12,000 पर टूथ होगा। तो जितने दांतों का ट्रीटमेंट आप करवा रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली उस हिसाब से आपका कॉस्ट होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी टीथ वाइटनिंग करवाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली हमारा ये जो नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल्स, जानकारी टीथ वाइटनिंग के बारे में और हमारे क्लिनिक के बारे में मिल जाएगी। थैंक यू।